क्या आपको पता है गाइस कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं यहीं पर ही बैठा था और आप लोगों से कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो यार, पर कोई करता ही नहीं, बस आते ही वीडियो देख के चले जाते। कोई बात होती है? मुझे बताओ यार, कोई बात होती है? अगर होती है तो बताओ कि हाँ आके देख के चले जाओ यार, मेहनत कर रहा हूँ, देख रहे हो आप लोग मेहनत कर रहा हूँ, करो सब्सक्राइब यार, करेंगे आगे बहुत कुछ इंप्रूवमेंट लेके आऊँगा। इतनी अच्छी लाइटिंग कर ली, 2-3 लाइटें लगा ले चुका हूँ अपने कमरे में, अपने चेहरों को, काले से चेहरे को ग्लो करने के लिए कि यार कुछ अच्छा सा दिखे आपको कंटेंट में, मतलब कोई काला सा दिखे ना, वो वेब कैम से सीधा फ़ोन पे आ चुका हूँ। आपके चक्कर में मैंने फ़ोन भी ले लिया, फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। हद होती है किसी बात की यार, हद होती है। करो सब्सक्राइब, करो सपोर्ट, करो वीडियोज़ को जाके देखो यार। अगर नहीं पसंद आए तो कमेंट करके बताओ कि हाँ मैं कहाँ पे गलत हूँ, बताओ तो सही यार, तभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, तभी। क्या हद है, मतलब कर दो सब्सक्राइब। मुझे नहीं पता, स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ मैं आपको, करो सब्सक्राइब अभी करो। मुझे वो ग्रे चाहिए बस, लाल कलर बिल्कुल ही पसंद नहीं है मुझे, लिटरली नहीं पसंद। और वीडियो को लाइक अभी कर दो, मुझे नहीं पता आगे की वीडियो आपको गंदी ही क्यों ना लगे। मुझे वीडियो के जो लाइक वाला बटन होता है ना, उसे ब्लू कलर पसंद है उसमें, और जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, मैं सांड हूँ एक तरीके का, समझ लो, सीधी सी बात है, मैं सांड हूँ, मुझे लाल कलर बिल्कुल ही पसंद नहीं। तभी देखो मैंने पर्पल ही पहना हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप उस लाल को ग्रे कर दो, नहीं तो मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, मर्जी नहीं है, सब्सक्राइब करना है। क्या आपको पता है कि एक बार ऐसा हुआ कि लोगों ने एक लाश को लटकते हुए छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि वो जो लाश है वो हैलोवीन की सजावट है। अगर गाइस आप हैलोवीन के बारे में नहीं जानते तो सीधी बात अभी समझ लीजिए कि वो एक भूत वाला खेल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, मतलब होता होगा मुझे क्या बताओ। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसे पढ़ने के बाद अगर आप उसे जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो उसके अंदर से एक पौधा निकल आएगा, है ना? फिर कितनी अजीब बात कि पेपर पढ़ो और इसे जमीन में गाड़ दो, वहां से एक और पेड़, क्या खतरनाक इन्वेंशन है। अब गाइस आप लोग इस तस्वीर को देखिए, आपको उस तस्वीर को देख के क्या लगता है, ये किसी की फोटोग्राफी है या फिर किसी ने इसे स्केच यानी कि पेंसिल और स्केच की मदद से बनाया है? आप लोग इस फोटो को देख के क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, बता देना। फैक्ट नंबर 1 गाइस, जो मैं आपको एक घटना बताने वाला हूँ, ये जो घटना है ना वो डिलेवन नाम के एक शहर से आता है। ये घटना 2005 में हुई थी। इसमें हुआ ये था गाइस कि एक जो महिला थी उसकी उम्र थी 45 साल, वो तो चलो ठीक है, उसकी उम्र थी 45 साल। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो गई एक पेड़ के पास और जाके लटक गई। मतलब आपको भी पता है, हमको भी पता है, अगर लटक गई तो गई ससुरी भगवान के पास। और गजब वाली बात ये थी गाइस कि उस दिन ना था हेलोवीन, और आपको भी पता है अभी पबजी अगर आप लोगों ने वो वीपीएन लगा के खेला होगा तो उसमें साला हेलोवीन का बड़ा चल रहा था, मतलब हर चीज़ हेलोवीन वाला दिखा रहा था, हमको नहीं चाहिए जी। तो आते हैं इसकी स्टोरी पर। तो हुआ ऐसा गाइस कि उस दिन था हेलोवीन, जो वहाँ के रेजिडेंटल थे, मतलब कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, उनको लगा कि ये भी कोई एक हेलोवीन की सजावट है कि किसी पुतले को लटका दिया है हेलोवीन की सजावट के लिए। साला उस दिन किसी ने भी पुलिस को नहीं बुलाया ये सोच के कि ये जो सजावट है वो हेलोवीन की है। किसी को यकीन ही नहीं हुआ, यानी कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि वो एक लाश लटका हुआ है। और इसी चक्कर में वो सारी रात ऐसी लटकी रह गई। अगले दिन जब वहाँ के लोग गुजरते हैं, साला देख कर चौंक हो जाते हैं, ये सारे साला एक कोची है, मतलब सारे रात हम जिसे हम सजावट समझ के बैठे थे, ये तो एक लाश है। फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, उसके बाद ये घटना सभी के सामने आती है कि ऐसा हुआ था, मतलब गजब बेइज्जती वाली बात हो गई। कैसा मौत मरी है भाई, रात को मरी, सब सोचे साला हेलोवीन का सजावट है, सारी रात ऐसी लटकल रह गई है, और सुबह उठ के पता लगता है कि वाह ये तो हमारे मोहल्ला की औरत थी जी, गजब बेइज्जती हो गई। अब मुझे बताइए आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। फैक्ट नंबर 2 गाइस, हम इंडिया का एक कल्चर है कि हम लोग है ना यहाँ पे अखबार सबसे पहले स्कीम देख के लेते हैं कि साला इस स्कीम में हमको ये डब्बा मिल रहा है कि नहीं डिब्बा मिल रहा है। हमारा फैमिली भी, मतलब जो हमारी फैमिली थी, उन्होंने लगाया था अखबार कि बच्चा पढ़ेगा जी, हम साला पढ़ते नहीं थे, इसी चक्कर में खुंदक में आ गए, उन्होंने अखबार ही हटा दिया कि साला तुम पढ़ता नहीं, हम पैसा फालतू में दे रहे अखबार वाला को। इसके पीछे भी एक स्कीम था गाइस, मतलब जब मेरे फैमिली गई, मतलब पापा गए अखबार वाले के पास, बुलाया गया घर पे, तो पूछा गया भाई हमको इसके साथ फ्री क्या मिलेगा, गिफ्ट कहाँ मिलेगा। खाली हमारा फैमिली का नहीं, पूरी दुनिया का फैमिली का ये रिवाज है, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, बाहर वाला साला पता नहीं क्या सोच के लेता है, पर इंडिया वाला पहले सोचता साला हमसे साथ में गिफ्ट क्या मिल रहा है हमको ये बताओ। अखबार वाले भी चला साला पहले बोल देते सर आपको इसमें टिफिन बॉक्स मिलेगा, टिफिन बॉक्स हाँ ऐसा वाला टिफिन बॉक्स मिलेगा, बहुत खुश होता साला देख के, बहुत खुश होता है साला, ये वाला लेंगे। फिर देखा जाता है बजट कितना जी, कितना लोगे आप, 300 रुपया
फिर मन में तो हिसाब आता, सर अच्छा, साला 300 देंगे साल में, अगर रद्दी का देखा जाए तो एक के बारे में निकाल लेंगे। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। साला हम लोग को इंडिया में फैमिली जो लोग होता है ना, अखबार लगाता है, सबसे पहले सोचता है गिफ्ट क्या मिल रहा है, दूसरा सोचेगा कि बजट कितना, मतलब 300 रुपया है, ठीक है हम रद्दी से निकाल लेंगे पैसा। साला जितना देते नहीं उससे ज़्यादा वसूल लेते हैं अखबार वाला से, ये सोच के हम लोग अखबार निकालते हैं। और अब आप सोचेंगे गाइस इनसे फैक्ट क्या है, तो फैक्ट ये है गाइस कि जापान, जी हाँ गाइस, जापान एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जहाँ की अखबार के अंदर एक ऐसा मटेरियल यूज किया जा रहा है, आप उसको यूज करके अगर उसे जमीन में गाड़ देंगे ना, वहां से एक पौधा निकल के आ जाएगा, समझ रहे हैं, मतलब एक पौधा निकल के आ जाएगा। हमको भी नहीं पता कौन सा पौधा निकलेगा, लेकिन इको फ्रेंडली बनाया गया है, आप उसे जमीन में गाड़िए पौधा निकल के आएगा, इससे पोल्यूशन भी नहीं बढ़ेगा। मतलब अखबार को रिसाइकल करने में भी कुछ तो वेस्ट होता है ना, उसको सीधा जमीन में गाड़िए पौधा निकल जाएगा, एक और पेपर बन जाएगा, समझ रहे हैं इतना कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है। चलते हैं अगले फैक्ट्स के ऊपर। फैक्ट नंबर 3, आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही तेज तर्रार मानते होंगे, होते हैं हम में से कोई ना कोई निकल जाता साला बीच में, जो कुछ अपने आप को कुछ ज्यादा ही तेज समझ रहता है। तो ये सवाल आप ही में से किसी एक के लिए है, मतलब सबके लिए है। आप हमको ये बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे छोटा अंडा देता है, उसका अगर अंडा का हम फोटो दिखाएं तो ये देखिए आप फोटो देख रहे हैं, इतना छोटा, इतना छोटा। तो हमको ये बताइए कि कौन सा पक्षी है जो इतना छोटा सा अंडा देता है, क्या हबागुल हो गया? चलो हम बता देते हैं, इस पक्षी का नाम हमिंग बर्ड है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा छोटा, आप जैसे जानते हैं कि हमिंग बर्ड सबसे छोटा है तो उसका अंडा भी छोटा होगा ना जी, समझिए बात को, सबसे छोटा अंडा देने वाला दुनिया का एकमात्र पक्षी है। कभी ना कभी गाइस आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप एक तरफ करवट लेके सो रखे होंगे और अचानक से आपको सपने में ऐसा फील होता है कि आप गिर गए कहीं से, आप एकदम हड़काप के उठ जाते हैं, हड़ंग के, अरे साला हम तो गिर गए, मतलब एकदम डर जाता है, गिर गए हम तो, देखे तो साला बिस्तर के कोना में लेटे रहे, ऐसा होता है। इसके जो पीछे का रीजन है वो तो हम नहीं बताने वाले हैं, लेकिन गाइस आप जानते हैं कि इस बीमारी को क्या कहा जाता है? जी हाँ गाइस, ये एक तरीके का बीमारी है, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो इसे एक डिजीज है। तो इस बीमारी का नाम पता है? अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, अभी बताओ, बाद में नहीं कि साला देख लिया उसके बाद आपको कमेंट करके बता रहे हो जी यही था, हम तुमसे पहले जानते हैं, गलत बात है, बहुत ही गलत बात हो जाएगा। तो गाइस इस बीमारी का नाम हाइपनिक जर्क है। जी हाँ गाइस, इस चीज को हाइपनिक जर्क कहा जाता है, यहाँ पे मैं उसकी स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, पढ़ लेना अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है। गाइस अब आप लोग इस तस्वीर को देखिए, क्या लगता है आपको इसके तस्वीर को देख के, इसे किसी ने खींचा है या फिर किसी ने इसे ड्रॉ किया है, समझ रहे हैं, मतलब स्केच से बनाया गया है, आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके अभी बताएं, बाद में नहीं बताना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बाद में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यू आर एलिजिबल, वही बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्या लगता है आपको देख के कि ये जो फोटो है इसे किसी ने क्लिक किया, यानी कि फोटो से क्लिक किया है या उसे किसी ने ड्रॉ किया है, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसका उत्तर दूं तो इसे एक व्यक्ति ने बनाया है जिसका नाम कीगन हॉल है, और इस तस्वीर को बनाने के लिए उसने 250 घंटे लगा दिए, यानी कि एक दिन में होता 24 दिन, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि इस फोटो को बनाने में उस इंसान ने कितने दिन लिए। घंटों का तो मैंने बता दिया कि 250 घंटे लग गए इस फोटो को बनाने में, तो आप देख सकते हैं वैसे उस आर्टिस्ट की कारीगरी, यानी कि उसने कितने परफेक्शन के साथ इस फोटो को बनाया कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसे फोटो क्लिक किया और इसे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करके हमको दिखा रहा है। तो गाइज अब मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और हाँ गाइज मुझे ये भी बताना कि जो टोन मैंने यूज किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था छठ पूजा के वाली वीडियो में कि मैं कुछ ऐसा सा यूज करने वाला हूँ, तो मैंने आज यूज किया फाइनली, कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और हाँ गाइज मुझे वो भी बताना कि कहाँ पे मैं गलत था, मतलब कुछ अच्छा इंप्रूव कर सकता है इस में, और आपको मुझे बताना है कैसा लगा, मतलब भाई पुरानी किसी भी बात कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइज अब आप सोचेंगे वीडियो कुछ ज़्यादा छोटी नहीं होगी, 5 फैक्ट्स कौन बताता है, मैं चाहता हूँ गाइस कि वीडियो छोटी हो ताकि उसे आप बहुत ही ईजी तरीके से देख पाओ, और क्वालिटी अच्छी है तो आप देखोगे, ये जेन्युइन सी बात है। अगली वीडियो हम अगले 5 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और कुछ ऐसे ही वे में, तो कैसा लगा आपको वीडियो हमको बताना जरा कमेंट करके, एक बार बिहारी टोन में बोल देते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे पप्पा ऐकन तर ऐकन का थंड वाटते पप्पा म्हणून पप्पा ऐकून तर घ्या रे, अरे पप्पा नाही पप्पा ते, अरे पप्पा ऐकून तर घ्या, ऐकून तर घ्या पप्पा, अरे ऐकून तर घ्या, ऐकून अरे ऐकून।